देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका यहाँ पर और यहाँ पर 90 डिग्रीज बन रहा है। ठीक है, क्लियर है। पहले ये कह रहे हैं कि तुम्हें प्रूफ करना है दैट एंगल ए एम सी, ये वाला एंगल इस एंगल ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों पे ही फोकस करते हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं। तो देखो बच्चों क्या करेंगे हम कि इन ट्राइंगल ए एम सी, ठीक है, हमने कौन से ट्राइंगल लिए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, एंड ट्राइंगल ए एम सी और डी एम बी ले लिया ट्राइंगल, ठीक है, डी एम बी ये वाला ट्राइंगल ले लिया। ठीक, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है बेटा, ए एम, ए एम इज इक्वल टू एम बी ए। कैसे, ये चीज़ तुम्हारे पास गिवन है कि एम इज़ द मिड पॉइंट, है ना, ये गिवन है एम इज़ द मिड पॉइंट। ठीक है, अगली चीज़ क्या गिवन है कि डी एम इज इक्वल टू एम सी, क्यों, ये भी गिवन है कि भाई एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, ये भी गिवन है तुम्हारे पास। ठीक, फिर देखो तुम ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो तुम कह सकते हो एंगल डी एम बी इज इक्वल टू एंगल डी एम बी इज इक्वल टू एंगल सी एम ए, क्यों, क्योंकि दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे दैट ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, क्लियर है। और कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट हुए भाई, तो ये हुए बाय साइड एंगल साइड से। ठीक है, ये हमेशा लिखना पड़ेगा कौन सी प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके अगले पार्ट में जो तुमको प्रूफ करना है। ठीक, अब देखो बेटा, अभी तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, अगली बात, यहाँ पर ये गिवन है कि सिर्फ एंगल सी जो है वो 90 है, बी नहीं 90 है, बी तुमको प्रूफ करना है कि ये 90 है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने अभी देखा कि ये दोनों अगर कॉन्ग्रेंट है ना, तो ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है। क्यों, क्योंकि जब तुम इसे ओवरलैप करोगे ना एक दूसरे, जब कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है तो तुमने डी एम सी को ए एम सी के कॉन्ग्रेंट प्रूफ नहीं करा है, तुमने ए एम सी को बी एम डी के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब भाई ये देखो बच्चों, दो ऐसे करके लाइंस जा रही, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये जेड बना रहा है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स तुम्हारे इक्वल हैं, दैट मीन्स ये दोनों साइड्स क्या हैं, तुम्हारी पैरेलल है। सिंपल वही कॉन्सेप्ट तुमको यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि देखो एंगल थ्री, इसको थ्री ले लो, इस एंगल को तुम फोर ले लो। ठीक है, तो या फिर एक काम करो, इसको वन और टू ही ले लो, क्योंकि थ्री और फोर तुमने कभी यूज़ ही नहीं करा है ना, इसको वन ले लो, इसको टू ले लो। मैं कह सकती हूँ एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, क्यों भाई, क्योंकि दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, क्लियर है। अगली चीज़ देखो कि इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट बी डी इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, अगर ये एंगल्स तुम्हारे इक्वल हैं, दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगी, सी डी इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, सी डी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, हमको पता है कि अगर ये दोनों लाइन्स अब पैरेलल हो गई, ठीक है, और ये ऐसे करके तुम्हारे पास एक ट्रांसवर्सल जा रही है बी सी। ठीक है, तो ये देखो दोनों एंगल्स क्या हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है दोनों, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ दैट एंगल डी बी सी एंड एंगल ए सी बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ठीक है, दे आर ऑन सेम साइड ऑफ बी सी। ठीक है, ये दोनों बी सी के सेम साइड पे। अब बच्चों, जब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, जब कोई भी दो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होते हैं, तो दोनों का सम जो है वो कितना होता है बेटा, 180 डिग्रीज होता है। ठीक है, अब तुम्हारे पास सी कितना गिवन है, 90 गिवन है ये, तो मैं कह सकती हूँ दैट एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस, इसको इधर ले आओ, तो माइनस एंगल ए सी बी, ये हो जाएगा 180 माइनस 90। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 90 डिग्रीज। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। हर चीज़, हर स्टेप को बहुत आसानी से करो तब तो होगा।
अदरवाइज तुम इसी में ना रह जाओगे कि भाई क्या करना है। ठीक है, बहुत इजीली करो हर स्टेप को। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे। अब देखो बेटा, थर्ड पार्ट में तुमको प्रूव करना है द ट्राइंगल डी बी सी, है ना, डी बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी बी। ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल ऐसे करके इज कॉन्ग्रेंट टू दिस ट्राइंगल। ठीक है, कैसे करोगे बच्चों? तो देखो हमारे पास एक तो क्या गिवन है बेटा कि देखो डी बी इज इक्वल टू ए सी। डी ये वाली साइड इसकी इक्वल क्यों? क्योंकि जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट थे फर्स्ट पार्ट में प्रूव करे थे, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगी। तो कह सकते हो तुम बाय सी पी सी टी, दोनों जो साइड्स है वो तुम्हारी इक्वल हो गई। अगली चीज़ हम क्या कह सकते हैं बेटा, दैट एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, क्योंकि अभी प्रूव करा है तुमने कि दोनों एंगल्स जो है वो 90 डिग्रीज है। ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात हमारे पास क्या गिवन है बेटा कि देखो बी सी दोनों में कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी बी सी इज कॉमन है कि नहीं। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे आपस में कॉन्ग्रेंट। द ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी ए सी बी, कौन से उससे? बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, ये क्राइटेरिया से दोनों एंगल्स तुम्हारे जो है ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, ये तुमको प्रूव करना था। अब आ जाओ तुम इसके फोर्थ पार्ट पे। अब देखो बच्चों, इन प्रूफ करना है हमें दैट सी एम, ठीक है, इज हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो देखो तुमको पता है दैट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, सी डी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ दैट सी एम इज इक्वल टू एम डी। ठीक, अब देखो ये पूरी लाइन है तुम्हारे पास सी एम, सी है यहाँ पे, एम है यहाँ पे, डी है। सी एम इज इक्वल टू एम डी है, राइट। तो मैं कह सकती हूँ सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, कह सकते हैं ये वाली बात। दूसरी बात देखो बच्चों, ठीक है, अब देखो हमने इससे पहले क्या प्रूफ करा था, दैट ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल डी ए सी बी, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा था, इन दोनों ट्राइंगल्स को। तो मैं इससे क्या कह सकती हूँ बच्चों कि सी डी इज इक्वल टू ए बी बाय सी पी सी टी, कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो अगर सी पी सी टी से सी डी ए बी के इक्वल है, तो मैं लिख सकती हूँ दैट सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी की जगह लिख दो ए बी, सिंपल। तो ये हो जाएगा इसके हाफ के इक्वल। ठीक, ठीक है, आसान है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत कूल होके करो, बहुत ही इजी माइंड से तो सब हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।